तो यहाँ पे हमारे पास साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स दिया गया है। तो आप यहाँ पे ये क्यूब क्या कर सकते हो, साइमल्टेनियसली लगा सकते हो, होल क्यूब बना सकते हो। अब देखिए यहाँ पे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, तो अगर टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया जाए तो ये साइन टू थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। मतलब इंटीग्रल ऑफ साइन टू एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, टू का होल क्यूब। तो इसका क्यूब अलग, इसका क्यूब अलग, इसका क्यूब 8 हो जाएगा, तो इसको हम बाहर कर देंगे 1/8, और ये हो जाएगा आपका dx। अब साइन क्यूब है ना, तो फिर इसके करने के तरीके हैं कि एक साइन अलग करिए तब भी आप कर सकते हो, या इसकी डिग्री रिड्यूस करिए तब भी कर सकते हो, दोनों ही ऑप्शन है ना। तो जो भी करना चाहिए करिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिग्रीज का रिड्यूस नहीं कर रहे हैं, आप डिग्री रिड्यूस साइन 3 थीटा के फॉर्मूले से डिग्री रिड्यूस करके करेंगे। हम इससे पहले किसी क्वेश्चन में किए हैं, क्वेश्चन 2, 3 किसी में क्वेश्चन में हम किए हैं, खैर वो आप रिफ़र कर लीजिएगा। खैर यहाँ पे हम क्या कर दे रहे हैं, साइन स्क्वायर 2x और साइन 2x dx, ठीक है। और साइन स्क्वायर को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख देंगे, तो हम यहाँ लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x। अब देखिए कॉस 2x का जो डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा, साइन 2x, लेकिन कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो यहाँ माइनस और साथ में 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा, तो यहाँ माइनस 2 हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। अब माइनस 2 हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ माइनस 2 क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये 16 हो जाएगा। खैर तो ये माइनस 1/16, और यहाँ पे ठीक है इसी स्टेप में हम लिख दे रहे हैं 1/16। अब इस स्टेप पर हम सब्सटीट्यूट कर दें कॉस 2x को टी पुट कर दें, तो माइनस साइन 2x इंटू 2 dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो पूरा क्वेश्चन आपका वेरिएबल t में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/16 इंटीग्रल ऑफ 1 - t² और ये हो जाएगा आपका dt। अब ये आराम से हो जाएगा इंटीग्रल, -1/16 और ब्रैकेट में हम कर ले रहे हैं, इसका t हो जाएगा और ये हो जाएगा t³/3 हो जाएगा प्लस c। और t की प्लेस पे क्या डाल दिया जाए, t की प्लेस पे हम साइन कॉस 2x डाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि वही एज्यूम किया है। तो ये हो जाएगा आपका कॉस 2x माइनस 1/3 कॉस क्यूब 2x प्लस c, ठीक है। दैट इज योर आंसर फ्रॉम दिस मेथड।